नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। स्वतंत्रता सेनानी एवं समाजवादी नेता शहीद सूरज नारायण सिंह की जयंती के अवसर पर बुधवार को पटना वीरचंद पटेल पथ स्थित शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय प्रांगण में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद सूरज नारायण सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, विधान पार्षद खालिद अनवर समेत विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी और गणमान्य लोगों ने भी शहीद सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इधर कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा शहीद सूरज नारायण सिंह के सम्मान में भजन, सर्वधर्म प्रार्थना सभा, देशभक्ति गीत एवं बिहार गीत गायन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शहीद सूरज नारायण सिंह स्मृति संग्रहालय का निरीक्षण कर संग्रहालय परिसर के नियमित और बेहतर ढंग से रखरखाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार के पुलिस थानों एवं इकाइयों के लिए 576 पुलिस वाहनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग से बुधवार को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान 576 पुलिस वाहनों में से सभी पुलिस जिलों के थानों के लिए 528 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की विभिन्न बटालियन के लिए 34 और बिहार पुलिस मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों के लिए 14 पुलिस वाहनों को रवाना किया गया। बता दें कि इन पुलिस वाहनों की उपलब्धता से राज्य में पुलिसिंग की कार्यक्षमता एवं दक्षता बढ़ेगी, जबकि विधि व्यवस्था के संधारण में सहूलियत होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुभानी, पुलिस महानिदेशक RS भट्टी और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद समेत कई विभाग के वरीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने बिहार की पुलिसिंग व्यवस्था को सुदृढ़ कर लोगों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने की बात कही। मौके पर वित्तीय विभाग के अपर मुख्य सचिव सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा समेत पुलिस विभाग के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर बुधवार को भागलपुर में IMA और API की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज परिसर से साइकिल जागरूकता रैली निकाल कर की गई। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर निकाली गई साइकिल रैली में शहर के कई गणमान्य चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान चिकित्सकों ने कहा कि ब्लड प्रेशर जैसे रोग से बचाव कर हाइपरटेंशन को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की भी बात डॉक्टरों ने कही। वहीं कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, जिसके लक्षण दिखते नहीं हैं और ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है, जिससे अचानक प्रेशर बढ़ने या तबीयत खराब होने से ब्रेन हैमरेज और मौत होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में करीब 30% युवाओं में यह रोग देखने को मिल रहा है। पूर्व में 50 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को हाइपरटेंशन की शिकायत देखने को मिलती थी। डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि सभी को नियमित रूप से योग, प्राणायाम और व्यायाम करना चाहिए, जिससे इस पर नियंत्रण किया जा सके। इधर डॉक्टर भारत भूषण ने कहा कि जिनको भी उच्च रक्तचाप की शिकायत है, उसे कम मात्रा में नमक का उपयोग करना चाहिए, जिससे इसको नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसी रोगी की अगर बिना अपने मन से कभी बंद नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो इससे बड़ी समस्या भी सामने आ सकती है और कई बार ऐसे में मरीज की मौत भी हो जाती है। साथ ही कई चिकित्सकों ने कहा कि BP हमेशा नियंत्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए और ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि नियमित चेकअप भी कराना चाहिए। मौके पर काफ़ी संख्या में पुरुष और महिला चिकित्सक मौजूद रहे। मैं डॉक्टर DP सिंह, पूर्व IMA अध्यक्ष बिहार और भागलपुर के एक चिकित्सक के नाते मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर API द्वारा, IMA के द्वारा जो यह आह्वान किया गया है, जो रैली निकाली गई है कि यह ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, इसमें तकलीफ बहुत लोगों को नहीं होता है और इसके कारण से लोगों में जागरूकता की कमी है। जितने भी वयस्क हैं 18 साल से ऊपर,
वह अपना ब्लड प्रेशर निश्चित रूप से नपाएं। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन आई में भागलपुर की ओर से मैं तमाम दर्शकों का इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का दिन हम लोगों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की तरफ से तत्वावधान में आज एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के वरीय चिकित्सकगण, अधीक्षक प्राचार्य ने झंडी लेकर इसको रवाना किया और हम लोग शहर के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए लोगों को जागरूक करते हुए कि आपका ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल में रहे, कैसे 140/90 के नीचे रहे, इसके बारे में तमाम जानकारियां दी हमारे भांति भांति के चिकित्सक। बैंड बाजा बारात की खबर तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन सारी तैयारी होने के बाद जब बारात दरवाजे पर आ जाए और वरमाला के समय अचानक दुल्हन शादी से इनकार कर दे, तो इसे आप क्या कहेंगे। दरअसल एक ऐसा ही मामला भागलपुर के रसलपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें सजी सवरी दुल्हन जयमाला के स्टेज पर वरमाला के समय अचानक दूल्हे को देखकर लोगों के सामने शादी से इनकार कर दी। इस दौरान दुल्हन ने अधिक उम्र और सांवले रंग के दूल्हे को देखकर शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद खुशियों के माहौल में अचानक खलबली मच गई। वही इसके बाद दोनों पक्ष के लोगों द्वारा दुल्हन को शादी के लिए समझाने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन वो अपनी बातों और निर्णय पर अड़ी रही, जिसके कारण माहौल बिगड़ गया और आखिरकार बिना शादी के ही दूल्हे और बारात को वापस जाना पड़ा। वही इस दौरान मौजूद लोगों द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, जो दुल्हन के द्वारा शादी से इनकार के बाद काफी वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि रसलपुर निवासी विनोद मंडल की बेटी किट्टू कुमारी की शादी धनोरा निवासी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के बेटे नीलेश कुमार सिंह से तय हुई थी और बारात आने के बाद वरमाला के दौरान सभी के सामने ही अपने से अधिक उम्र के और दूल्हे के सांवले रंग को देखकर वरमाला पहनाने और तिलक करने से साफ इनकार कर दिया। वही यह मामला लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनकार करने लौट गए, इनकार कर ले, कब कैसे कब इनकार की हुआ? वरमाला के टाइम में समधि मिलन ठीक हुआ, समधि मिलन के बाद चले वरमाला में, वरमाला में बस वही इनकार करके स्टेज बनता है ना। हाँ, इधर इधर देख, हाँ स्टेज जो स्टेज स्पेस पे आई। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद वो इनकार कर गई कि वरमाला में सुबह न करेंगे। आर्ट ऑफ गिविंग डे को लेकर बुधवार को बिहार स्टेट यूनिट की ओर से भागलपुर के कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसको लेकर अलीगंज स्थित संत ट्रेसा स्कूल, अकबरनगर उच्च विद्यालय श्रीरामपुर, नवगच्छा के एकलव्य खेल प्रशिक्षण केंद्र साहू प्रवत्ता, झंडापुर उच्च विद्यालय भीपुर समेत कई स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस दौरान समाज सेवा, शिक्षा, खेलकूद और जरूरतमंदों की मदद समेत कई सेवा से जुड़े कार्यों को लेकर बच्चों के बीच चर्चा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।